हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज ध्यान दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कन्वर्जन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, जिससे कन्वर्जन स्टार्ट होती है, जहाँ से कन्वर्जन की शुरुआत होती है। तो हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, सबसे पहले खुशी की बात है कि 28 फरवरी को बोर्ड का एग्ज़ाम है और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, जो 100 में 100 सारे बच्चे लाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और बच्चे भी हमारे काफ़ी मेहनती है और बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जो भी डाउट हो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से कर सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग आते हैं पिछले क्लास में जो आपको मैंने बताया था। मैंने बोला था कि कोई भी कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, कन्वर्जन के बारे में आपको पिछले क्लास में समझाया था, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मान लो कि हमारा ये कोई भी रिएक्शन है, ये फेनॉल है, फेनॉल है, हमें फेनॉल से बनाना है कोई भी प्रोडक्ट, फेनॉल तो इजीली बन सकता है, राइट। अब फेनॉल से मान लीजिए कि हमें बेंजीन बनाना है, तो जिंक डाल दिया और ये बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया जिंक ऑक्साइड, तो वन स्टेप रिएक्शन पूछता है, तो बाई प्रोडक्ट लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, फेनॉल टू बेंजीन बन गया। अब बेंजीन से कुछ भी बनाना हो तो इसको हटा दीजिए। बेंजीन से सपोज मान लीजिए कि हमें किसी तरह का बेंजोइक एसिड बनाना हो, बेंजोइक एसिड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 ये लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनेगा, ये टॉलवीन बन जाएगा। इस तरह से हम फिर वहाँ से जाएंगे KMnO4 KOH H3O+ डालते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम KMnO4 और KOH H3O+ ये डालते हैं और हीट करते हैं, तो ये सीधे हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये बन गया बेंजोइक एसिड। बड़ा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपके लिए काम करेगा। अभी 28 तारीख के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो इस पर आप वर्क कीजिएगा। इस तरह से हमें मान लीजिए कि एनिलीन बनाना हो, एमीन से सीधे चले जाते हैं, हेलो एल्केन को हम एमाइन से कनेक्ट करते हैं, आपको एनिलीन बनाना हो तो हम बेंजीन से क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, HNO3 और H2SO4 ये हीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, NO2 ये बन गया नाइट्रो बेंजीन। अब मान लीजिए कि नाइट्रो बेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है, तो जो रिएजेंट है वो याद होना चाहिए, SNHCl डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एनिलीन, ये बन गया एनिलीन, बन गया एनिलीन, बन गया। मान लीजिए कि हमें ये है बेंजोइक एसिड बना दिया, अब एनिल ये बेंजोइक एसिड से बना दिया, टॉलवीन बना दिया यहाँ पर। सपोज मान लीजिए कि हमें बेंजीन से हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है या आपको फेनाइल एसिटिक एसिड बनाना है, तो हम कार्बन बढ़ाते जाएंगे इजीली और ये बनते जाएगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। अब बेंजीन है, बेंजीन से हमें कोई भी रिएजेंट, एनिलीन बन गया यहाँ पर आपने बना दिया, तो इस तरह से यदि मान लीजिए कि हम एसिटोफिनोन बनाना हो तो CH3COCl ले लिया और एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर ले लिया और ये बन गया आपका क्या, ये COCH3 एसिटोफिनोन बन गया, एसिटोफिनोन बन गया। मान लीजिए कि बेंजोफिनोन पूछता है, तो बेंजोफिनोन पूछता है C6H5COCl ले लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर डाला, तो ये क्या बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा बेंजोफेनोन इसको कहते हैं, ये बन गया हमारा बेंजोफेनोन। देखिए बेंजोफेनोन के लिए हमने क्या किया, C6H5CO, C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन और इसके साथ CO कनेक्ट हो गया और एक बेंजीन यहाँ पर है, तो इसका नाम हो गया बेंजोफेनोन। यहाँ पर बना दिया हमने एसिटोफेनोन। इस तरह से फेनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, Na2Cr2O7 और H2SO4 जैसे हम डालते हैं तो ये बन जाता है बेंजोक्विनोन। तो यहाँ पर देख ध्यान दीजिएगा, ये बेंजोक्विनोन है, दोनों वो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड वो है, ये डबल बॉन्ड वो है, ये बन गया हमारा बेंजोक्विनोन। तो हम डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन की, अब देखिए इस तरह से
हम कोई भी कन्वर्जन को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिटिक एसिड, हम एलिफेटिक की बात करते हैं, ये एरोमेटिक हमारे कन्वर्जन हो गए। एरोमेटिक में भी कन्वर्जन बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने ये बना दिया CH3, अब इस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक का यूज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक का यूज करते हैं, तो हमें जैसे मान लीजिए कि हमें आगे बनाना है Cl2 सनलाइट, यदि हम यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH2Cl बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, अब देखो RX के फॉर्म में यहाँ आ गया, RX के फॉर्म में आ गया, अब यहाँ पर हम डालेंगे KCN, KCN डाला, KCN डाला तो ये क्या बना हमारा, CH2CN बन गया, CH2 बेंजाइल साइनाइड बन गया, बेंजाइल साइनाइड बन गया। अब देखो बेंजाइल साइनाइड से क्या क्या कन्वर्जन, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ध्यान दो यहां पर, कंसंट्रेट होकर के देखो बेटा, यहां पे यदि हम H3O+ डाल दें तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2-phenylacetic acid, जो मैंने बोला था 2-phenylacetic acid बन गया। मान लो कि एमीन में कन्वर्ट करना है इसी को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2Ni डाल देंगे, जब H2Ni डाल देंगे तो यहाँ पे CH2CH2NH2 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CH2NH2 यहाँ पर आ गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर बेंजीन के साथ CH2 है और ये CH2NH2 हाइड्रोजन ऐड हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हम यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हमने इसको एमीन में कन्वर्ट किया, प्राइमरी एमीन से हम टर्शरी एमीन, सेकेंडरी एमीन बनाते हैं इस तरह से। देखो ये एनिलीन, जैसे हमने ये एनिलीन बनाया राइट, ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, तो बेंजीन से हमने एनिलीन बनाया। इस तरह से बेंजीन से हम जितने ये कन्वर्जन आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ NO2 पूछ दिया, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस AgNO2 डालेंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा, CH2NO2, तो ये बन गया NO2। तो Cl के जगह पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस हमने डाला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैक करेगा वहाँ पे, Ag आपको NO2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कैसे कन्वर्जन को, मान लीजिए कि यहाँ पर OH लाना है, OH लाना है, तो यहाँ पर HNO2 डाल दिया, HNO2 डाल के हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2CH2OH, NH2 के जगह पे OH आ जाएगा, बन गया अल्कोहल, आ गया अल्कोहल आ गया। तो एक सिंपल रिएक्शन भी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा रिएजेंट को, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। इस दो दिन के जो हमारा गैप है, इस गैप में बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा फेनॉल से कैसे हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन से डिफरेंट हमारे जो स्ट्रक्चर, जो हमने ये कन्वर्ट किया नाइट्रो बेंजीन, ये एनिलीन हो गया। इस तरह से यदि मान लीजिए कि हमें फेनॉल से कुछ और ही बनाना हो, फेनॉल से हमें टॉलविन बनाना हो, तो फेनॉल से टॉलविन हमने बेंजीन बना के टॉलविन बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कि फेनॉल से टॉलविन बनाने का और भी मेथड है, और भी मेथड है। अब सपोज मान लीजिए कि हमें ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से यदि हम ये करते हैं, आप Br2 करते हैं तो इसका कैटलिस्ट होता है FeBr3, तब ये बनता है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये बनता है। मान लीजिए कि इसमें Cl2 डालते हैं तब आपको एनहाइड्रस AlCl3 डालना पड़ेगा, नहीं तो FeCl3 डालना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं, दोनों नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। इस तरह से देखो एसिटोफेनोन से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो ना, इससे भी बनाना हो तो इजिली हम बना सकते हैं राइट। एसिटोफेनोन से भी बनाना हो तो हम वही यूज करेंगे, KMnO4, KOH और H3O+, ये लिया और हीट किया और ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड, यहाँ भी बेंजोइक एसिड बन गया। इस तरह से टॉलविन से हो, इथाइल बेंजीन से हो, मान लो कि दो कार्बन हमें लगाना हो तो CH3CH2Cl लगा दिया, एनहाइड्रस AlCl यहाँ पर डाल दिया, तो ये बन गया हमारा इथाइल बेंजीन,
ये बन गया इथाइल बेंजीन। मान लीजिए इथाइल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता है तो सीधे हम यहां पर आ जाते हैं, सीधे इस रिएजेंट को KMnO4 और KOH और H3O+ ये ले लिया और हीट किया, बन गया बेंजोइक एसिड। तो कन्वर्जन कैसे, बेंजीन से इतने सारे कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया इजीली, केवल ये कर लो तो अगले आने वाले एग्जाम 28 फरवरी में बहुत बेहतरीन कन्वर्जन ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, तो चलो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बाय। ओके नमस्ते।